बोलिए गणपति महाराज की जयकारा, श्री विष्णु भगवान जी का, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो आज जो कहानी सुनाने के लिए जा रही है आप भक्तजनों को, प्रहलाद भक्त की कहानी है। तो बड़े प्रेम से श्रवण करना है। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था। उसने बहुत कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु ना किसी मानव के द्वारा हो ना किसी पशु से, ना दिन में हो ना रात में, ना धरती पे हो ना आकाश में। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी हो गया। वह चाहता था कि सब उसकी ही पूजा करें, उसके सिवाय किसी की और पूजा ना करें। वह भगवान जी का ना ही भजन करता था, ना ही उन्हें मानता था और विष्णु भगवान का निरादर करता था। हिरण्यकश्यप के एक संतान हुई, उस बच्चे का नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भक्त था। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का भगवान की पूजा करना बहुत बुरा लगता था। उसने राक्षसों के गुरु को बुलाया और कहा कि प्रहलाद को ऐसा पढ़ाओ कि वह ना तो भगवान का नाम ले और ना ही भगवान को माने और ना ही उनका भजन कीर्तन करे। एक दिन कुमार ने मिट्टी के बर्तन सेकने के लिए मटकी में आग लगा दी। उसमें बिल्ली के छोटे बच्चे थे। अब कुमार को बहुत दुख हुआ कि उसके कारण बच्चे जलकर मर जाएंगे। प्रहलाद ने जब यह देखा तो उसने भगवान जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें बचा ले। प्रहलाद जी की वह प्रार्थना स्वीकार हुई और बच्चे हंसी खुशी बाहर आ गए। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा कि भगवान जी बहुत शक्तिशाली हैं और सबका उनकी पूजा करने से भला होता है, तो हमें सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद को उसके पास ले आया। प्रहलाद से पूछा कि तुमने क्या सीखा कि भगवान सबसे पूज्य हैं और सबसे शक्तिशाली हैं। हिरण्यकश्यप को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को हाथी के पाम से कुचलवा दो। उस हाथी ने प्रहलाद के ऊपर हाथ नहीं रखा और ना ही उसे पाम से कुचला और प्रहलाद को अपनी सूंड से ऊपर बैठा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद जी को पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे फेंक दो। राक्षसों ने प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया। तब भगवान जी ने उसे अपनी गोद में ले लिया। राक्षसों ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हमने प्रहलाद को मारने की बहुत कोशिश की पर उसका बाल हकबंका नहीं हुआ, उसे उसके भगवान जी बचा लेते हैं। प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका
के पास एक चादर थी जो कि आग में नहीं जल सकती थी। यह उसने ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त की थी। होलिका ने हिरण्यकश्यप जी से कहा कि देखो भैया, मैं प्रहलाद जी को चादर में लपेटकर आग में बैठ जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन हवा का एक ऐसा झोंका आया कि चादर होलिका से ऊपर होकर प्रहलाद जी से लिपट गई। होलिका जल गई और प्रहलाद आग से निकलकर बाहर आ गई। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तेरा भगवान विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि विष्णु जी सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में कहा कि क्या विष्णु जी इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, जी हाँ, विष्णु जी इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप जी ने अपनी तलवार निकाली और पूरे बल से खंभे में मारी। खंभा फट गया। खंभे में से नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए। नरसिंह भगवान जी का आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर इंसान का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप जी को अपने पंजों से पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप से कहा कि देखो, तुम्हें वरदान मिला था कि ना तो तुम मनुष्यों से मरोगे ना तुम पशु से मरोगे। मैं आधा पशु हूँ और आधा मनुष्य हूँ। तुम्हें वरदान मिला था कि ना तुम दिन को मरोगे ना तुम रात को। यह संध्या का समय है, यह ना तो दिन है और ना रात है। ना तुम धरती पर मरोगे ना तुम आकाश में। तुम्हें अपनी गोद में मारूंगा। ना तुम घर में मरोगे ना तुम बाहर मरोगे। भगवान जी ने हिरण्यकश्यप को अपने दरबार के दरवाजे की दहलीज पर रख के अपने पंजों से मार दिया। सब राक्षस भगवान जी का यह रुद्र रूप देखकर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रहलाद जी से कहा कि आप भगवान जी हैं और आप में भी भगवान जी समाये हुए हैं और भगवान जी से प्रार्थना करें, तब ही भगवान जी शांत होंगे। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी ने आपका अनादर कर बहुत बड़ी भूल की, आप उन्हें माफ कर दें और अपनी शरण में ले लें। भगवान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया और बहुत प्रेम किया। प्रहलाद राक्षसों का राजा बना दिया। प्रहलाद जी की प्रजा भगवान जी की भक्त बन गई। विष्णु जी की पूजा करने लगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए बद्री विशाल भगवान की, बोलिए हर हर।